हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू चैट। और आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलीजन, दुर्खीम का धर्म का सिद्धांत। तो दुर्खीम ने जो अपनी कृति है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, इसमें धर्म के समाज यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, नैतिकता के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, ज्ञान के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की नींव रखी थी इन्होंने। मतलब पहली बार में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बात की थी। दुर्खीम के अनुसार धर्म है क्या? दुर्खीम के अनुसार जो धर्म है, धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। क्या क्या है? विश्वास और क्रियाएं। विश्वास और क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर चर्च का इन्होंने बात की है। मान ले आप हिंदू धर्म है तो मंदिर होता, और मुस्लिम धर्म है तो मस्जिद होता। तो उस तरीके से ये जो है कह रहे हैं चर्च नामक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। दुर्खीम ने धर्म के दो पक्षों वैचारिक एवं व्यवहारिक का उल्लेख किया है। तो विचार के रूप में क्या है? धर्म विश्वासों का संकलन है। विचार के रूप में क्या है? विश्वासों का संकलन है। और व्यवहारिक रूप में क्या है? उसके कृत्य हैं, जो कर्मकांड होते हैं, संस्कार अनुष्ठान, ये सब सम्मिलित होते हैं व्यवहारिक में। दुर्खीम ने धार्मिक विश्वास जगत की वास्तविक और आदर्शात्मक वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र दो भागों में बांटा है। क्या है? पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम की है। तो इन्होंने संसार की सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा, पवित्र और अपवित्र। पवित्र वस्तुओं में क्या है? पवित्र वस्तुओं में उन्होंने देवताओं, आध्यात्मिक शक्तियों, गिरी कंदरा, वृक्ष, पत्थर, जल स्रोत, नदी, इन सबको सम्मिलित किया है या कर सकते हैं। जो भी जहाँ से हमें आध्यात्मिक शक्ति का एहसास होता है उन सबको पवित्र में उन्होंने माना है। तो दुर्खीम के धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं? तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो उनका था उत्पत्ति का सिद्धांत, वो तो टोटमवाद था। उसके पहले क्या है? आत्मावाद, ये था टाइलर का, और प्रकृतिवाद, ये था मैक्स मूलर का। तो जो आत्मावाद था टाइलर का, यानी कि एनिमिज्म, एनिमिज्म में क्या था? तो एनिमिज्म में क्या था? व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हुआ कैसे? आत्मावाद कैसे नाम पड़ा? तो जब जो आदिम मनुष्य था, जब वो जागृत और सुषुप्त अवस्था के कारण हुआ है ना, जो आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जागृत और सुषुप्त दो अवस्थाओं के कारण हुआ है, यानी जगते हुए और सोते हुए, इन दो अवस्थाओं के कारण। आत्मानंद देखा, जब सोता है तो क्या करता है? वो कई स्थानों पर चला जाता है। मतलब रियल मनी मान लीजिए, एक तरीके सपनों में हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो वो देखा कि हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किन किन लोगों से मिल लेते हैं, जिसकी संभावना वो जगते हुए पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार उसने जीवन मृत्यु की घटनाओं को भी देखा। उसने देखा मरने पर शरीर से कोई ऐसी चीज़ है जो निकल जाती है, जिससे जो है मनुष्य का खाना पीना, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं ने जो मनुष्य को है आत्मा का विचार प्रदान किया। इस प्रकार वो आदिमानव क्या करने लगा? आत्मा, प्रेतात्मा की पूजा, मृतक पूजा, ये सब करने लगा, और इसी से आदिम धर्म का उदय हुआ। तो ये था आत्मावाद टाइलर का। दूसरा देखते हैं मैक्स मूलर का, प्रकृतिवाद, नेचुरिज्म। नेचुरिज्म क्या था इसमें? जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, नेचुरिज्म प्रकृति के बारे में, प्रकृति की पूजा। तो हुआ क्या? आदिमानव ने
प्राकृतिक वस्तुओं के पीछे क्या देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों की कल्पना की, और उसने सोचा ऐसी कोई ना कोई ताकत तो जरूर है जो इन सबका संचालन करती है। किनका? चांद, तारे, सूरज, बिजली, पानी, बिजली कौन, आकाशीय बिजली, पानी, हवा, अग्नि, तो उन्हीं से वो सब उसकी पूजा करने लगा। अब इसको भी, इन दोनों को, आत्मावाद और प्रकृतवाद को, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में जो दुर्खिम थे उन्होंने मानने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं टोटमवाद। टोटमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, टोटेमिज्म या टोटमवाद। जो टोटम सब था इसको सबसे पहले जे लॉन्ग ने यूज किया था। दुर्खिम ने जो टोटम का अध्ययन किया था वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के धर्म की उत्पत्ति से ये इसके बारे में स्पष्ट किया, टोटमवाद के बारे में। वाकई में तो वो दुर्खिम कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए ना अरुंटा जनजाति के बीच गए, उन्होंने वहाँ से उसके बारे में जो अध्ययन सामग्री थी उसको मंगा के अध्ययन किया। टोटम क्या है? टोटम एक नाम है, प्रतीक है या चिन्ह है। टोटम कोई एक नाम हो सकता है, प्रतीक सिंबल हो सकता है, या कोई चिन्ह हो सकता है, कोई वस्तु वगैरह भी हो सकती है। तो नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह, गोत्र मीन्स क्लान, से संबंधित वस्तु है। यह गोत्र समूह का नाम है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गोत्र है क्या, मतलब गोत्र है क्या। गोत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्लान। क्लान है क्या? तो गोत्र से हमारा मतलब ऐसे समूह से है जो एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हो, ऐसा समूह जो एक पूर्वज से अपना उत्पत्ति मानता हो, और यह पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार किसी प्रकार का हो सकता है। तो गोत्र जो है एक पक्षी रक्त संबंधियों का बहिर्विवाही समूह है, मतलब इसमें जो है एक गोत्र में शादियां आपस में नहीं कर सकते हैं। तो ये था गोत्र। एक टोटम को मानने वालों में परस्पर नातेदारी एवं रक्त के संबंध होते हैं, वे अपनी उत्पत्ति उसी टोटम से मानते हैं, अतः परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं, इसलिए आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बहिर्विवाही समूह। जो टोटमवाद है वो नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का एक समूह है। इसमें क्या है? नैतिक कर्तव्य और मौलिक विश्वास का पूरा एक समूह है ये टोटम, जिसके द्वारा समाज पशु पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ग्रुप होते हैं उनका टोटम कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। जो टोटम सिंबल था वो कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है, उससे संबंधित जो धारणाएं हैं, विश्वास हैं, संगठन, उसी को टोटमवाद कहा जाता है। तो दुर्खिम ने क्या किया था? दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का उल्लेख किया है, उसी का अध्ययन किया है। तो उन्होंने देखा कि अरुंटा में जो मनाए जाने वाला एक कोरोबोरी फेस्टिवल होता है, कोरोबोरी फेस्टिवल, जिसमें सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। क्या है ये कोरोबोरी उत्सव? एक सामूहिक एकत्रीकरण है जिसमें धार्मिक विचार की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। यहीं से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोरोबोरी उत्सव है उसमें सब सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं, वहीं से ये धार्मिक विचार जो है उत्पत्ति हुई है इसकी। तो कोरोबोरी के अवसर पर मनुष्य क्या होता है, जब एक साथ सब जमा होते हैं, क्योंकि तब ऐसा होता नहीं था आज की तरह इतना भीड़ भरी, और ये तो सब बाद मानो अकेले अकेले रहता था इधर उधर जंगलों में। तो जब कोरोबोरी उत्सव होता था तो उसमें जब वो एक साथ इकट्ठा होते थे तो वो मनुष्य क्या होते थे, उत्साह और आनंद से भर जाते थे, है ना। उस समय उनको उत्सव जैसा महसूस होता था, अलग ही महसूस होता था। तो वो अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, और उसमें उस समय वो कुछ भी या खुशी से चिल्ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे, और एक दूसरे से जो है उनके मन एक दूसरे से प्रतिध्वनित होने लगते थे। सामूहिक जीवन के इस उफान में व्यक्ति अपने को भूल जाता है और ऐसा अनुभव करता है मानो वह एक नया प्राणी है, एक विचित्र संसार में वो भ्रमण करने लगता है। उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह,
डेवलप हो जाता है। तो इन उत्सवों में जो आदिम लोग हैं वो एकदम ही पृथक संसार में आ जाते हैं, जो एकदम अलग थलग रहते थे जिंदगी, तो जब वहाँ पे एक जगह समूह में आ जाते थे तो उनके अंदर अलग ही भावना आ जाती थी, अलग ही आनंद, आनंदा विभोर, अलग ही तरह की दूसरे ही लोक में महसूस करते थे। पृथक संसार के क्रियाकलापों में ही धार्मिक विश्वासों विचारों का जन्म होता है। तो इन्होंने क्या क्या पृथक संसार जो वहाँ पे अलग ही उनकी दुनिया हो जाती थी, जहाँ एक साथ वो कोरोबरी उत्सव में होते थे, वहाँ पे जो काम करते थे वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक दूसरे के भाव विभोर हो गए, एक दूसरे से आनंदमय हैं, तो वहाँ पे अलग ही विचारों का जन्म होता था। दुर्खिम के शब्दों में अतः यह प्रतीत होता है कि इन उद्वेलित सामाजिक परिस्थितियों के बीच स्वयं उस उफान में से धार्मिक विचार जन्म लेता है। यह है दुर्खिम का कथन। उद्वेलित सामाजिक परिस्थिति मतलब एक्साइटेड सोशल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, सब बड़े उत्साह से भरे हुए होते हैं। तो आखिरी में दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। तो मालूम है आपको, दुर्खिम ने समाज को ही सब कुछ माना है, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, धार्मिक विचार की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है और धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पवित्र अथवा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है। जो पवित्र है या ईश्वर है वो क्या है, सब समाज का मानवीकरण है। और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति वृद्धि और स्थिरता में है। तो ये था दुर्खिम का थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आया दोस्तों तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।